داخلہ دیں کسی کلاس میں تو سال کی ابتدا سے ہی ایک اچھے اور سمجھدار طالب علم کو فکر پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے کامیاب ہوں, پاس ہو جاؤں, ناکام نہ ہوں, فیل نہ ہوں. حالانکہ پورا سال پڑھا ہوتا ہے لیکن ابتدا سے اس کو فکر ہے اس چیز کی کہ بھئی میں ناکام نہ ہو جاؤں. بعض ایسے ہوتے ہیں طالب علم کے آخری سال تک ان کو فکر نہیں ہوتی, جب رزلٹ نکلتا ہے تو دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک کوئی شخص جس کو فکر رہا ابتدا سے الحمدللہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے, اور ایک شخص جس نے فکر ہی نہیں کیا, بس سوچا بھی نہیں کامیابی ناکامی کو, تو ناکام ہو جاتا ہے. یہی ہماری زندگی ہے کہ ابتدا سے جو فکر ہے ہماری اس دنیا میں آتے ہی پیدائش کے ساتھ ہی, فکر یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں, اور جب اس دنیا سے جائیں تو کامیابی کی حالت میں جائیں. اور جن کو یہ فکر نہیں ہوتی تو ظاہر ہے پھر وہ کامیاب کیسے جائیں گے. فکر والا جو ہے وہ کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے کامیابی حاصل کرنے کی, ذرائع استعمال کرتا ہے, سباب استعمال کرتا ہے. لیکن جس کو فکر ہی نہ ہو تو وہ کچھ نہیں کرے گا, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا فیکٹ ہے کہ اس کے رزلٹ تو پھر صاف ظاہر ہوں گے انسان کے ساتھ. اور جب یہ فکر انسان میں کم ہونا شروع ہو جائے بتدریج تو یہ بہت خطرناک دور بن جاتا ہے, بہت خطرناک زمانہ بن جاتا ہے. اس دور کے اندر بہت خطرناک انسان بن جاتا ہے, بلکہ انسان کا نام ہوتا ہے لیکن جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے وہ شخص. اس کی فکر جو ختم ہو گئی پتہ نہیں چلا اس کو میں نے کرنا کیا ہے. یہی ہے دنیا, ہمارے ساتھ معاملہ ایسے ہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ مسعودی رحمۃ اللہ علیہ حوالہ دیا ہے اس
वाक्य है अपनी किताब में। क्या आपने शायद फरमाया, तो आप सब जानते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या मुकाम था और कितने बुलंद इंसान थे सहाबा में, और मुकाम आप सारी दुनिया देखेगी कि कहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, किसके साथ हैं। तो उनके हाल देखें, वो कहते हैं कि भाई मुझे मर जाऊं मैं तो भी कफन की फिक्र ना करना कि अच्छा कफन हो या आला दर्जे का कफन हो, मामूली दर्जे का एक मौतदल किस्म का भी कफन मिल जाए तो मुझे लपेट देना उसमें और मुझे दफना देना। अगर अल्लाह ने खैर फरमाई, खैर कर दी, फिर तो उम्र की कब्र जो होगी वो कुशादा हो जाएगी, इतनी कुशादा होगी कि जहां तक मेरी निगाह जाएगी वहां तक मेरी कब्र भर जाएगी। और अल्लाह ने खैर ना फरमाई तो ये खबर जो है मुझे इस कदर भींचेगी कि मेरी पसलियां और मेरी हड्डियां जो है चूरा चूरा हो जाएंगी। हस्त मकने दिल का अंदाज था सोचने का, जो कि हर मुसलमान को ही सोचना चाहिए। कामयाबी की यहां की कामयाबी तो है ही दोस्तों, असल चीज तो जो है वो आखिरत है। हम अगर अपने गिरेबान में डालेंगे देखेंगे कितनी इस पर फिक्र हमारी कितनी है, और फिक्र हो तो इस पर काम कितना बड़ा है। कर भी रहे होंगे तो देख, वो जो अल्लाह ताला ने जो अंदाज बताया है इस फिक्र पे कामयाबी को हासिल करने का, वो आजकल तो बहुत कम नजर आते हैं। असल चीज जिससे इंसान की कामयाबी होगी जो अमल है, वो अमल बहुत कम हो गया, बहुत कम है। जब वो अमल कम है तो ये मामला बड़ा खराब है फिर तो इंसान का। ये देख हम आलमी हों इंसान के, लेकिन वो अमाल भी बेकार हो जाते हैं फिर अगर उस अमल को ना साथ रखा जाए। और जो वो है बात असल में दुश्मन के साथ मुकाबला है हमारा, अदब मुबीन जो है हमारा दुश्मन कौन है, शैतान। अल्लाह ने उसको ताकत भी दी है और बहुत अल्लाह ताला से इजाजत भी लेकर आया हुआ है कि जी मैं इनको छोड़ूंगा, इंसान को नहीं छोड़ूंगा। तो हकीकत यह है कि जो आखिरत में कामयाबी चाहता है तो उसको अपने दुश्मन से बड़ा होशियार होना चाहिए। जो दुश्मन से होशियार होगा समझोगे भाई वो वाकई मामला सही कर, तो उसके पास तो बड़े बड़े हथियार हैं, बड़े बड़े आबिद जाहिद, बड़े बड़े ऊंचे इंसानों को एकदम पैदल कर देता है सेकंड के अंदर, सेकंड में तबाह कर देता है, सब इबादत खत्म हो जाती है उसकी इंसान की। बहुत से वक्त आप हमारे सामने, वो ऐसा शैतान जो है उसका ताल्लुक हमारे साथ इतना स्ट्रांग है, इतना बड़ा दुश्मन है, अल्लाह ने उसको दी है पूरी छूट कि जिस तरह चाहे तुमको वर्गला और ले जाओ अपने साथ। तो उसके लिए तो बड़ा अच्छा काम इंसान के अंदर दौड़ता है, दिल में बैठ जाता है, अंदर आ जाता है, बस उसे पैदा करता है, कंट्रोल कर लेता है। वम्मा यंज़न्नकुम मिनश्शैतान, कुरान ने कहा अल्लाह ताला, ये शैतान जो है इंसान के अंदर वसवसे पैदा करता है। जिन्ज़न्नकुम, ये वसवसे पैदा करता है और ख्यालात ऐसे पैदा करता है, गुनाहों की रखवत देता है, गुनाहों को लुत्फ पैदा करता है,
کسی بھی انسان عبادت میں کھڑا ہو تب بھی وہ وہاں لے آتا ہے خیالات کو, اور پھر وہ خیالات انسان کے اندر سٹیمولیٹ ہوتے ہیں, جمع ہوتے 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 وہ شکل اختیار کرتے ہیں, پھر اس پہ امپلیمنٹ کر جاتا ہے, اس پہ وہ کام کر جاتا ہے آدمی. پہلے وہ اس کے اتنے خیالات پیدا کرے گا, زنا کی طرف خیال ڈالے گا, تصورات پیدا کرے گا, پھر وہ اس کو اتنا کرتا رہے گا کرتا رہے گا, کیونکہ اس کو ٹھوئل ہے, مجھے نماز پڑھ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, بہت سخت پریشان ہے کہ طبیعت پھر میری یہ کام کرنے کو کرتی ہے, طبیعت پھر میری یہ کام کرنے کو کرتی ہے, طبیعت پھر میری یہ کام کرنے کو کرتی ہے, کیا کریں, پریشان کرتے 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 اس مقام تک اس کو لے جاتا ہے, پہنچا دیتا ہے. ینزغنکم الشیطان, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ حالات تمہارے ساتھ پیش آئے تو علاج بتاتا ہے قرآن. اب یہ عام حالات ہیں ہمارے ساتھ, اس طرح یہ گناہ کے کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان گناہ کرتا کیوں ہے, اور ایسے ایسے گناہ انسان سے ہوتے ہیں کہ اگر وہ گناہ انسان خود بھی سوچے کہ میں نے کس طرح کر دیا اتنا بڑا گناہ, میں جانور کیسے بن گیا تھا, یا میں کس طرح ہو گیا مصیبت, یہ میں نے کیسے کی ہے, اس گناہ کے بعد کو خود ہی سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کو قتل کیسے کر دیا, میں نے یہ غلط کام کیسے کیا, اتنا بڑا غلط کام میں نے کیسے کر لیا, کیونکہ وہ انسان کیپچر ہو جاتا ہے دماغ پر, شیطان اس کو چیت ہے. ان زغن نے کون شاید بتاتا نہ کہ یہ جو پوزیشن ہو انسان کی, اب دو قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں, اگر جو اس پہ چل رہے ہیں وہ تو چل رہے ہیں, وہ بچ نہیں سکتے, ہر کام کر سکتا ہے, ہر کام ہو سکتا ہے اس سے, تو اللہ تعالیٰ اس کا پھر اسی آیت کے آخر میں علاج بتاتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت کم لوگ ہیں جو آج وہ عمل کر رہے ہیں کہ جس سے ہم کامیاب ہوں گے. نازن فاستعذ اللہ, اللہ فرماتے ہیں ان اللہ سمیع علیم, کہ ایسے حالات میں جب انسان کے وسوسے بڑھ رہے ہوں, گناہوں کی طرف رغبتیں جاری ہوں, گناہ کی طرف رغبت کر رہا ہو, گناہ کرانے کرا رہا ہو, انسان کر رہا ہو, گھبرایا ہو, کیا کیا جائے, بالکل اس کی حالت جو ہے وہ بہت بدتر ہو چکی ہو, تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے, نظن فاستعذ باللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگے آدمی, بات سمجھا گی, کیا کرے, پناہ مانگے, بیسٹ علاج قرآن بتا رہا ہے. اور کس کانفیڈنس پر جو آیت بات کہی ہے, انہ سمیع العلیم, یاد رکھنا جس سے تم پناہ مانگ رہے ہو کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے, سبحان اللہ. جب تو پناہ مانگے گا تو دیکھ تیرا اللہ سن رہا ہوگا تیری بات کو, کس پوزیشن میں تو بچنا تو بھان مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائے اس چیز سے, میں گیا اللہ تعالیٰ میں تو گیا, مجھ سے ہونے والا یہ کام, بالکل نہ دھوکے میں آنا شیطان کے, کہ اللہ تعالیٰ کہ تو قابو ہے میرے, تو کر نہ ایسی تیسی تیری, کہتا بس تمہیں کام فوراً پناہ مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے, اس پوزیشن میں تم ہو گئے کہ تم بالکل زنا کے چکر میں, بالکل کئی مثالیں ایسی ہیں, بالکل پوزیشن میں تم زنا کے اندر ہو, تو داخل ہو چکے ہو اور کام شروع ہونے والا ہے, اور کسی نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا اس وقت بھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے. سمیع علیم اللہ نے کہا ہے, تو یہ جو ہے ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ رہے ہیں, ہم تو برے کام ہو جاتے ہیں, ہم سے کیا کریں گے, فلاں ہو گیا, اس لیے کہ ہم وہ بات ہی نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہا ہے. بالکل صحیح ہے کہ شیطان ہمیں دھکیلتا ہے گناہوں کی طرف, ہم کرتے ہیں بڑے بڑے گناہ سے ہوتے ہیں, ہونے ہی نہیں چاہیے, اس وقت جب گناہ کی طرف خیالات جا رہے ہیں, رغبت آ رہی ہے, گھوم رہا ہے انسان, اب پہنچنے والا ہے, تو بس ایک کام اس نے کرنا ہے, کیا, اللہ تعالیٰ مجھے بچا, فاستعذ باللہ, اس کا یقین اللہ دلا رہا ہے کہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے, وہ جانتا ہے سب کچھ کہ کیسے تجھے نکالنا ہے, کیسے بچانا ہے, کیونکہ شیطان کو تو میں نے دی ہے نا چانس, دیکھ اس کو کیسے نکال کے تجھے.
साफ कर दो। तो बस समझ आ गई नहीं तो। लेकिन इंसान इतना ढीला पड़ जाता है उस गुनाह को कि वो अल्लाह को भूल जाता है। जीत शैतान की कामयाबी होती है। उस वक्त भी इंसान अगर अल्लाह को याद कर ले इतनी बुरी हालत के अंदर भी, तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुझे बचा लूंगा। अब सवाल है इसी आयत के अंदर, ये मुफस्सिरीन लिखा है ये बातें मैं आपके सामने, मैं नहीं तजर्मा कर रहा, ये तो मुफस्सिरीन की बातें कर रहा हूं, मुजरा दीन ने लिखा है। अब जिस इस्तेज़ाज़े की यह बात की अल्लाह ताला ने कि मुझसे पनाह मांगो, वो पनाह क्या है, किस तरह मांगी जाए अल्लाह ताला से, वो बता दे अल्लाह पाक आगे भाई इसी आयत में आगे कि पनाह भी मांगोगे कैसे मुझसे, क्या चीज है जिस तरह से तुम मुझसे पनाह मांगोगे तो मैं तुम बचाऊंगा गुनाह से। उसके लिए ताला कहते हैं कि जो समझदार लोग हैं, मेरी बात समझ जाते हैं, उन्हें हो रहा होता है उनसे, लेकिन बात मेरी समझ गए हैं कि अल्लाह ने तो इसका नुस्खा बताया है कुरान के अंदर, शैतान ने तो मुझ पर वार कर दिया, मैं तो कर रहा हूं, मैं तो जाने वाला हूं, बस गया मैं तो। बड़े बड़े आबिद जाहिद, ये कोई नहीं कि भाई गुना कोई नेक आदमी और है, ऐसी का चक्कर ही नहीं शैतान के नजदीक, कौन नेक बात, उसने तो काम करना ही अपना, वो तो कब्र से थोड़ी देर पहले भी हमें अल्लाह माफ करे ईमान से खारिज कर सकते हैं, उसकी तो बहुत चक्कर बात है। लेकिन अगर अल्लाह की बताई हुई जो इस्तेज़ाज़ा है, इस्तेज़ाज़ा जो उसको हम इस्तेमाल करें, फिर शैतान कुछ भी नहीं, अल्लाह के फजल से ताकत ही नहीं शैतान की बनती कुछ भी, बिल्कुल सही है। तो वो क्या चीज है, ये अब सुनने वाली बात है, ये कुरान है। तज़क्करू, कि वो फिर समझदार लोग जो समझ गए मेरी बात को क्या करते हैं, तज़क्करू, अल्लाह का जिक्र शुरू कर देते हैं, अल्लाह फज़ाहम मुबसिरून, कुरान कहता है कि जैसे ही जब वो मेरा जिक्र करते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती हैं, फज़ाहम मुबसिरून, सुभानअल्लाह, वही गुनाह जिसमें लज़्ज़त आ रही होती है, उसको लुत्फ आ रहा होता है, जिसको डूबा होता है गुनाह के अंदर, लेकिन जब वो अस्तदाज कैसे है, अस्तदाज क्या है, पनाह कौन सी है, ये नहीं कि पनाह मांग रहे, नहीं पनाह का तरीका बताया अल्लाह ताला ने, अल्लाह का जिक्र उसने शुरू कर दिया, अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया, अल्लाह कहता है फजा मैं उसकी आंखों को खोल दूंगा, वो ये क्या कर लिया, मैं क्या करूं, भाग गए वहां से, छोड़ दिया फजा मुफसर, पता ही चला कि आज जो गुनाहों में मलूस हैं हमारे जवान लोग, बड़े लोग, छोटे लोग, बच्चियां, बच्चे, सब माँ बाप जितने भी हैं, माशरा बिगड़ चुके हैं, उसकी वजह यह है कि हमने कुरान का बताया है इलाज छोड़ा हुआ है, वरना शैतान की क्या वजह, शैतान तो है ही कुछ, वो तो बिल्कुल खत्म हो गया। आखिर कहा अल्लाह ताला कुरान में बताते आगे कि जो ये बात मेरी नहीं मानते, जो आजकल हम नहीं मान रहे, यमुद्दून हूं, अल्लाह ताला कहता है उनके साथ क्या होता है, यमुद्दून हूं फी बकी, कि जो ही मेरी बातों को नहीं मानते, अल्लाह ताला कहता है जो मैं बता रहा हूँ कुरान उनके साथ क्या होता है, यमुद्दून हूं फी बकी, फिर क्या है, शैतान उनको खींच लेता है अपनी तरफ, बिल्कुल बेकार होते हैं, यमुद्दून हूं फी बकी, खींच लेते हैं, सुमाला यकसरून, बस फिर उसके बाद वो बाज नहीं आ सकते गुनाहों से, उनको कोई बचा नहीं सकता गुनाहों से। नसीहत करें जी, ये करें जी, उनको फलां करें जी, उसमें भेज दें, इसमें कर दें, फलां कर दें, कोई बार नहीं चलता मेरे दोस्तों, मैं आपको सही बता रहा हूं, उनके सरों पे कुरान भी रख देंगे ना, आप खाना खा चक्कर भी कराएंगे ना, उनको जितनी उम्र भी कराएंगे ना, आज भी कराएंगे, आखिर उन्हें फिर वही काम कर लें, देख रहे हैं हमारे माशरे में नहीं है कि हम अपनी तरफ से इलाज करें, ठीक है ये बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा, फिर उन्होंने आगे वही काम करना है, क्योंकि अल्लाह ताला जो कुरान में इलाज बताया कि शैतान को काबू करो, शैतान को काबू करो, ये मत दोनों, वो अगर तुम नहीं करोगे तो अल्लाह ताला कहता है फिर गई, वो तो तुम्हें फिर खींच लेगा, खींचता ले जाता है तुम्हें गुनाहों की तरफ, अल्लाह को सुम्मा अल्लाह यखसरून, फिर तुम पास आ ही नहीं सकते, बच ही नहीं सकते।
دیکھیں کتنی اہم چیز ہے اللہ کا ذکر. آپ سوچیں صاحب, آ رہی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی دوستو, یہ میں تھوڑی سی بات جو عرض کی ہے کوئی تغیر نہیں کی. آج ہی پڑھ رہا تھا میں, آیا تو ایگزام میں آیا میں کہ یار یہ تو بہت عمدہ چیز ہے الحمد للہ, سورہ اللہ آیا. آج میں پڑھ رہا تھا میں ذہن میں یہ آیت آ گئی الحمد للہ, میں اپنے ساتھیوں سے بیٹھ کے بات کریں گے. بھائی تو ذکر دیں کتنی اہم چیز ہے, تو بعض چیزیں انسان کو مل جاتی ہیں وہ کرنے بھی لگتا ہے, اس کی اہمیت کو اس کو پتا نہیں ہوتا. سبحان اللہ, یہ بھی سمجھے نا, اس کے لیے اہمیت بتانی پڑتی ہے آدمی کو, یہ بہت اہم چیز ہے. اس کو تھوڑی باتیں چھوڑ مت دینا, بلکہ اس غنیمت سمجھنا, اس کو بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے کے اندر, اس دنیا کے اندر یہ بہت بڑا انعام دے دیا. صبح شام کا جو ذکر مل جانا, سبحان اللہ, اپنے حضرت کی بات خط میں لکھا انہوں نے کہ یہ, اور یہ بھی کہا کہ یہ خط ساتھیوں کو پڑھا دینا. حضرت نے کہا تھا اس خط میں, اس کے خط اینڈ میں حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ دوست بتانا, اس میں لکھا ہے کہ سنو غور سے کہ یہ اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے. یہ لفظ اللہ کے سن لو, یہ اللہ کا ذکر عارف باللہ کہہ رہا ہے, پوری دنیا خطاب کر رہے ہیں, کہنا یہ سب کو بتا دینا تم پڑھ کے کہ یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. دنیا سنور جاتی ہے, آخرت سنور جاتی ہے, اللہ اللہ کا رسول راضی ہو جائے گا اور دل تمہارا نورانی ہو جائے گا. یہ پیغام ہے ایک بہت بڑے عارف باللہ کا, اس پوری دنیا کو, ویسٹرن دنیا کو جو میرے ذریعے اللہ انہوں نے دی ہے, کوئی اور مطلب نہیں اللہ کا ذکر. اب یاد پڑھ لے قرآن کی, یہ سارا قرآن ہے نا جو حضرت نے فرمایا نہیں فرمایا. تو یہ تو کوئی بات نہیں کہ ہم بھائی دل کر رہے آج کل کریں نہ کریں, یہ کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. یہ تو ایک ایسا پروٹیکشن ہے ہمارے لیے کہ جو ہمیں جہنم سے, قبر کے عذاب سے, ہر چیز سے بچانے والی چیز ہے. اب ہم اس کا اثر دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ, ہم اس سے کوئی کام نہیں ہے. ہمیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ آپ گولیاں آپ نے کھانی ہے, بس ہم دوا کھائے جا رہے ہیں, یہ نہیں ایسا. اللہ نے ہمیں کی علاج بتایا اور اتنی واضح طور پہ یہ دیکھیں پوری آیت اللہ نے بتائی ہے, سمجھا ہے ساری بات کہ ذکر نہ کرنے سے یہ ہے, ذکر کرنے کے نہ کرنے سے یہ نقصان ہوتا ہے, ذکر چھوڑنے سے یہ نقصان ہوتا ہے, اور ذکر جو انسان کرتا ہے تو اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے. اور اس پہ ثبت کر دیا اللہ والوں کی, جو اللہ والے ان کی باتوں کو انہوں نے اعلان کیا اس چیز پر, جو یہ سمجھ کے بات کہ سمجھو اس بات کو جو اللہ کو تمہیں قرآن بتا رہا ہے, کسی حالت میں بھی تم اللہ کے ذکر کو کم تر نہ سمجھنا, اس کو چھوٹا نہ سمجھنا. ثواب اپنی جگہ ہے ٹھیک ہے, لیکن ہمیں ثواب سے غرض نہ, ہمیں کسی اور چیز سے, ہمیں تو یہ غرض ہے کہ بھائی ہم اس دنیا سے کامیاب اور شاد چلے جائیں, نمبر ایک. نمبر دو کہ جو اعمال اللہ پاک ہم سے کروا رہے ہیں اس میں شیطان آتا ہے, نماز میں ہمارا شیطان آ جاتا ہے, ہمارے قرآن میں شیطان آ جاتا ہے, ہمارے صدقات کے اندر شیطان آ جاتا ہے, حج عمرے میں شیطان آ جاتا ہے, کوئی جگہ نہیں جس میں وہ داخل نہیں ہو جاتا. یہ قرآن بتا رہا ہے, کھینچ لیتا ہے انسان, پھر بیٹھ شامل ہو جاتے ہیں انسان کی ہر چیز کے اندر, چھوڑتا ہی نہیں خالص. واحد ایک چیز اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جب تمہیں پتا چلے گا کہ واقعی شیطان مجھے برباد کر رہے ہیں, میری نمازوں کو, میری عبادت کو, تو سب کرو جس وقت تم اللہ کا ذکر کرو. دیمونی چیز تو نہیں ہے یار, بہت بڑا انعام ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں اس کی اتنی اہمیت کے پتہ نہ ہونے کے باوجود بھی ہم لگے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے کرے جانے. تو میرے بھائیو دوستو اس کی قدر کریں, بہت تیزی سے وقت گزرتا جاتا ہے. دیکھیں ایک ایک دن میں دو دو جنازے جا رہے ہیں, دو دو جنازے جاتے ہیں, اپنے بھی جاتے ہیں, پرائے بھی جاتے ہیں, ہم پتہ ہے کہ باری انسان کیا جائے. تو کم از کم اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم تو کمزور ہیں, شیطان کے تو بہت اونچے تیچے وار ہیں, اور زمانہ بھی آج ایسا ہے, تو ہم تو اب تیرے ذکر کی سہارا لیتے ہیں. جس گھر کے اندر, جس معاشرے میں, جس سوسائٹی میں اللہ کا ذکر پہنچ گیا, سبحان اللہ, جس گھر میں اللہ کا ذکر پہنچ گیا, فرمایا وہ نور بن جاتا ہے. سبحان اللہ, حدیث ہے کہ آسمان والوں کو وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو, مجھے پتا ہے, جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے آسمان والوں کو, اوپر جو ہیں فرشتے, ان کو وہ جگہ, وہ گھر
हमें चांद नजर आता है, कितना खूबसूरत चौदहवीं का चांद आता है ना, रात हो बादल गायब हो और पूरा चौदहवीं का चांद हो तो कितना खूबसूरत लगता है। जब हम नीचे देखते हैं आसमान की तरफ, कितना खूबसूरत तारे निकल रहे हैं, चांद निकल रहा है, देखते हैं ना। तो इसी तरह आसमान के ऊपर जो फरिश्ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह सारी जमीन पे तारीकी होती है गुनाहों की, तो जिस घर के अंदर अल्लाह का जिक्र होता है तो उनको चांद की तरह नजर आता है चमकता हुआ। और गुनाहों से बचता कैसे शैतान से, ये भी हदीस ने बताया। पहले अल्लाह ने मिसाल दी कुरान से, अल्लाह के हबीब ने मिसाल दी इसकी, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिए बातों को वही के जरिए, अल्लाह के नबी ने फिर अपनी जबान और अक्स से उसको तशरीफ फरमा दी, इसको हदीस कहते हैं। तशरीफ फरमा दी कि दुश्मन तेरे पीछे लगा हो मारने के लिए और तू भाग रहा हो, तेरा थोड़ा बहुत फासला हो गया और तुझे पकड़ने वाला हो दुश्मन, क्या हालत है इंसान को मैं बताए, वो लिए बंदूक और जनाब चीजें आपके पीछे मारने के लिए भाग रहा है, भाग रहे हैं आप वही भाग रहे हैं, कब तक भागेंगे, पकड़ देंगे वो तो मार देगा आपको। भागते 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 उसने क्या किया कि एकदम उसको किला नजर आया, ऐसी जगह नजर आई जहां छुप जाए, वो किले के अंदर चला गया तो उस दुश्मन बाहर खड़ा होकर अंदर जा ही नहीं सकता। फरमाया ये किला जो है अल्लाह का जिक्र है कि जब इंसान चारों तरफ से गुनाहों में गिर जाता है ना, यार बच ही नहीं जा रहा, किस तरह बचे समझ नहीं आ रहा, यार है ही गुनाह। फला इमाम साहब बता रहे थे, मौलाना साहब बता रहे थे, यार ये चीज करना गुनाह है, या फला ये पिक्चर देखना है, सब गाने में जाना, सब ये गुनाह है। मानता भी आदमी मुझसे गुनाह हो रहा है यार, नमाज छोड़ना है सब कुछ गुनाह है, ये फाशी बातें गलत बातें ये गलत चीजें सारी जितनी सब गुनाह हो रहा है, घर के अंदर बच्चे भी कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं, बाप भी कर रहा है, शोहर भी कर रहा है, माँ भी कर रही है, सब कर रहे हैं, गुनाह चल रहा है मामला। अब वो मनहूस घर बन जाते हैं, मनहूस जगहें बन जाती हैं जहां पे गुनाह होते हैं, वहां पे लानतें आती है अल्लाह ताला की। अब ये तो सोचे ना, जहां देख रहे सब कुछ, लेकिन भाई ये नहीं करो, भाई फला करो, कुछ असर नहीं पड़ता। अल्लाह ताला ने कहा बता दिया, सुम वाला तक सुन, ये निकल नहीं सकते, सुम वाला एक सुन, ये नहीं निकलेंगे, बास आ ही नहीं सकते, क्योंकि बास आने की एक ही चीज है कि तू खुद भी जिक्र करो और घर में भी जिक्र जारी करो। कुरान बता रहा हूं, आज अगर हम बचना चाहते हैं, अपने बच्चों को सही करना चाहते हैं, अपनी औलादों को बचाना चाहते हैं, खुद हम अपने आप को बचना चाहते हैं, किस चीज से, अल्लाह के अजाबों से, अल्लाह के गजब से, अल्लाह की नाराजगी से, बेबरकती से, सब उस वक्त होता है। बचने का सवाही तरीका कुरान जो बताते हैं वो क्या चीज है, मुझे बोलो, कुछ ना वो जिक्र जारी करें अपने घर में इंशाल्लाह। जैसे अभी हम जिक्र करते हैं ना, तो अपने घर वालों जला दिया करें इसको, सबसे पहले तो शैतान तबाह होंगे, क्योंकि जितने भी जिन्नात और शैतान होंगे भाग जाएंगे अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की वजह से। और इसके देख जितना सख्त अंदर शैतान होता है इंसान, उतनी मुश्किल उसको अल्लाह की तरफ जिक्र की तरफ लाना होता है। ये सोच रहे हैं आप, हर बात मान जाएंगे, जब जिक्र की बात करेंगे ना तो उसको कंठ लगेगी एकदम, क्योंकि अंदर शैतान है ना। और जिस वक्त अल्लाह ताला कहता है उसकी आंख खोल देता हूं मैं, तज़क्कुर फ़ज़ाम युब सुरूं, कि जिस वक्त उसकी आंख खुल जाती है, कहता ला ला ये मैं करता था ये गुनाह, मैं इस जगह पे फिरता था। जब वो जगहों से घूमते हैं उस जगह पे, तो अंदर उसकी अल्लाह कलाम है ना, उसकी आंख कैसे खुलती है कि उसकी झुरझुरी आती है, उस जगह से जान छोड़ देते हैं, उन रास्तों में जान छोड़ देते हैं, यार मैं फल्लाह यहां मैं ही काम करता था, मैं इन लड़कियों के साथ यहां फिरता था, तो भाई वो लड़कियों की बदमाशी कर रही है, अल्लाह उसकी जवाब खोल देता है, ओ कहती इतने लोगों के साथ में फिरती थी, मुसलमान होकर मैं ये काम करती थी। आम होते हैं ना आजकल यूनिवर्सिटी के अंदर, पांच पांच छह छह चार चार बॉयज फ्रेंड रखे होते हैं, सब चलता है ना काम, तो और जब आंख खुलती है तो वो काम जाती है फिर अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितनी बड़ी प्यारी बात है, आज हम किसी पे देखते हैं कोई गुनाह में गर्क है, कोई लड़की है, कोई आदमी है, कोई मर्द है, कोई लड़का है, चार चार बॉयफ्रेंड है, तीन तीन बॉयफ्रेंड है, लड़की के लड़के के घूम रहे हैं, तो एक चीज निगाह में जरूर रखना, बात एक बात जरूर सोच के रखना कि ये ना करो, जो अल्लाह जो है वो बड़ा कर्म करने वाला है दोस्तों, उससे नफरत ना करो, उससे नफरत ना करो, हो सकता है कि उसके पास अभी भी एक बहुत बड़ा वार मौजूद है कि किसी अल्लाह वाले की नजर पड़े और वो तौबा कर जाए तो वो एकदम पाक हो जाएगा।
गया, और हो सकता है कि कल हमें अपनी ईमान की पता ना हो, वो जन्नत में जा रहे हो, हम किसी और तरफ जा रहे हैं। उसकी तो भाई वो तो कोई जजमेंट नहीं ना अल्लाह ताला की, तो ऊंचा है। तो ये तो कि एक गुनाह को कर रहा है, कोई 10-10 फलन रखे हैं, 15-15 फलन रखे हैं, जाहिर एक बुरी चीज है, जाहिर बहुत बुरी चीज है, लेकिन ये फिर भी नाउमीद आदमी नहीं हो सकता भाई। किसी ना किसी तरह उसको अल्लाह के जिक्र अल्लाह नसीब हो जाए, या उसने तौबा ताइब हो गया, कुछ हो गया। मैं बताता हूं आज के जमाने में तो कोई शख्स वली अल्लाह ऐसा हो गए जो ये काम करके ना आया हो। सुभान अल्लाह। देखें बड़े बड़े वलियों की ही दास्तान मिलती है कि अल्लाह उनको इन्हीं गुनाहों से निकाल के अपना गौस बना देता है और कुतुब बना देता है। बस यह है एक चीज, जब उसको चीज नसीब हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। डूब रहा है इंसान समंदर के अंदर, लेकिन एकदम किश्ती नसीब हो गई तो एकदम किश्ती में बैठ के निकलाया बाहर। सुभान अल्लाह। यही है किश्ती मिल गई जिस इंसान को तो निकल आता है। फिर क्या, जितने जना किए हो, जितने फ्रेंड हो, कुछ भी हो, सब गायब हो जाते हैं, फिनिश। क्योंकि अल्लाह ने कहा तुमने तौबा कर ली, सब खत्म। सुभान अल्लाह। सब खत्म, भूल जा, वो जगहों को भूल जा। हाँ नफरत तो बरकरार रहेगी उसको, जहर है, उसने जो काम वो किए होंगे तो उस पर ताज्जुब तो करेगा। यानी जिसमें उसको लिज्जत होती थी, मजा आता जब उसको कहा छोड़ दिए काम, तो उस पर लड़ता था कि मुझे क्यों कहते हैं काम छोड़, दिमाग खराब इन लोगों, हंसता था उनको मुझे मना कर रहे हैं। लेकिन आज उनसे कहे वो काम कर, तो मैंने लोगेगा खुदा के वास्ते क्या बकवास करते ये काम ना करो। आज यही काम करते लोग उसके ऊपर लगते हैं कि यार क्या कर रहे हैं ये काम, को अकल क्यों नहीं है, क्यों तज़क्करू अल्लाह का वादा है। सुभान अल्लाह, कि अल्लाह का जिक्र तू कर, सीना मैं तेरा खोलता हूं। ये अल्लाह का जिक्र दोस्तों, तो ये फिक्र पैदा करो ना भाई। वह खुद भी जिक्र कर रहे हैं, अपने साथियों को बताओ भी जिक्र कर रहे हैं अल्लाह का है। मुफ्ती एक माशाल्लाह समंदर चल रहा है, अल्लाह का नूर का दरिया बह रहा है, घसीट घसीट के लाए तबलीग नहीं तो और क्या है, आदमी को बचा नहीं तो अब क्या है। कल अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि इस मस्जिद में अल्फलाक के अंदर यहाँ पर जिक्र हो रहा था, आपने कितने लोगों को दावत दी जी, पर तेरा काम। हज इब्राहिम को क्या कहा था कि तू क्या फिक्र करता है, जंगल में खड़ा है, कोई भी नहीं है, नदा करना तेरा काम है, आदमी भेजना मेरा काम होगा। आज उस खाना काबू में जगह ही नहीं मिलती, सीधा भी कर सके आदमी, इतने करोड़ इंसान होते हैं। तो हमारा काम तो तब भाई दावत देना है लोगों को, हम इनके गुमराह नहीं देख रहे, गंदी जगह कोई खड़ा है या कोई लड़की खड़ी है, हमें से कोई ताल्लुक नहीं है, हमको कहना आओ ना आप जिक्र तो करें ना, जिक्र में तो बैठे ना, हमारे उसकी बात तो सुने ना, ये तो करें ना आप, आए तो सही ना। मैं कसम खा कहता हूँ अगर बदल ना जाए तो फिर दूसरी बात के। तो कल हमसे पूछा जाए भाई, एक अच्छी बात तो नहीं है, हलवे का प्लेट आपके सामने रखिए, बस हाथ इधर करके अकेले खाए जा रहे हैं, कि फायदा क्यों, ये तो कोई फायदा नहीं हुआ। जब आप समझ चुके हैं कि ये हलवा बड़ा लजीज है माशाल्लाह, इसमें बादाम भी हैं और पिस्ते भी हैं, घी भी खूब तैर रहे हैं माशाल्लाह, लुत्फ आपको आ रहा है खाने में, तो लोगों को दावत नहीं आए ना इस हलवे को खाएं भाई, आप भी आए। और अगर आपको पता चल जाए कि किसी आदमी को दावत देकर जिक्र में आप ले आए हैं और वो आ गया, अगर आपको पता चल जाए कि इसका इनाम कितना होगा आखिरत में, तो आप इस मेहनत को बहुत थोड़ी मेहनत समझेंगे। ध्यान रखें आपने एक जिंदगी को बचा लिया है, एक माशी पता नहीं उससे आगे लोग कितने अल्लाह के जिक्र में आएंगे। और ये मैं देख रहा हूं, एक साहब आते हैं ये जिक्र सीखना चाहते हैं मेरे पास, मैं जिक्र क्या वो जी ये वो बिल्कुल डब्बर, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको देखो तो मैं हैरान होता हूँ आदमी को, उस पर दुनिया रश्क कर रही है, ये आदमी यही था, कहते दुनिया मुझे रश्क करती है आज मुझे खुद, कि मैं कहते यार तुम वही आदमी हो, अच्छा ये आपकी जमात का आदमी है, नाम नहीं बताऊ, उसको देखा कहते मुझे देख के मेरे घर वाले रश्क करते हैं कि तुम ये थे यार, कमाल हो गया, लगता ही तुम माशाल्लाह ये काम होता था। तो उसको पता नहीं वो इसको सही समझ आएगा माशाल्लाह आप सही था, वो तो बेकार चीज थे जो मैं करता था, पुरानी फिजा मुझे सुनो आंखें खोल देंगे अल्लाह पाक, एकदम खुलती ना आंखें, नहीं खुलती, खुल जाती है एकदम, इंसान पता लग जाता।
तो भाई अगर हम अपने माशरे को सही करना चाहते हैं, अपने घर को करें माशरा, जो अपने घर को सही करना चाहता है सबसे पहले उसको खुद इसकी कदर महसूस होनी चाहिए कि अल्लाह का जिक्र क्या है। छोटी छोटी माओं में अपने जिक्र, हम कुर्बानी देते चलो आज तस्बीह नहीं करते, चलो आज जिक्र नहीं करते, चलो आज हम फला, वो तो खुद अपना नुकसान है। तो जब सबसे पहले तो खुद अहमियत पैदा करें कि कितनी बड़ा अल्लाह ने हमें इनाम दे दिया है कि प्रोटेक्शन दे दी है शैतान से, ना जाने हम जिक्र ना करते तो कितनी कितनी हमारी बर्बादी हो जाती है, हम कहां पहुंचे होते। हम जिसको खुदा समझ होते वो बुत थे, वो बुत थे जहां हम जाते थे कहते शाह जी दीन दीन वाले पीर साहब हैं, ये दीन वाले लोग हैं, यहां बड़ी अच्छी मजलिस होती है, या फला होता है, या खत्म शरीफ चलते हैं, वो फला चलता है, फला चलता है, ये बुत थे जो हमें दुनिया से रोक रहे थे, ये बुत थे जिन्हें पता ही नहीं था इश्क रसूल क्या है, सुन्नत का मोहब्बत क्या है, नबी पाक सल्लम की मोहब्बत क्या है। हम तो इनको खुदा समझते थे जो ये बातें बताते थे हमें, इनके पर सब कुछ हम लुटा दिया करते थे, इन पर हम नहीं, बस बड़ा हम दीनदार हैं, बड़े कुछ हैं, बस एक खास दिनों के अंदर जाके हम वो काम कर लेते थे, हमारा हम बड़ा समझते थे। लेकिन जिक्र जब आंख खोली तो पता चला अल्हम्दुलिल्लाह कि दीन तो वही है, असल तो ये है। तो हमने खुद भी इस जिक्र पर जाना, खुद क्या करना नहीं है लोगों को, ये दावत इसलिए समझ के कि ना आप मुझ पे एहसान करेंगे ना अल्लाह पे एहसान करेंगे, नहीं, बल्कि ये इतना बड़ा काम आपकी आखिरत के लिए होगा कि आप मर जाएंगे, वो जिक्र कर रहा होगा तो आपकी कब्र नूर से भर रही होगी। सुभान अल्लाह, बेशक आपका बेटा हो, बेशक आपकी बेटी हो, ये नहीं कि हम बाहर की तबलीग ही तबलीग होती, नहीं, घर की तबलीग बड़े बुलंद होती है। हमने अपनी माँ को सही कर लिया, अपनी बहन को सही कर लिया, उस पर जोर लगाओ बहन पे, क्या ना अभी चलो ना तो जिक्र गाली खाते हो, बड़े तरीके से गिफ्ट दो, हदीये दो, एक टारगेट बना ले आदमी, ये तबलीग है, ये भी एक तबलीग का बहुत बड़ा अंदाज है। एक तो जनरल तबलीग होती है जैसे हमारे माशा जमातें आती हैं जाती हैं, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि जो इंडिविजुअल इंफरादी तौर पर तबलीग की जाए वो भी जरूरी है, वो भी इसका हिस्सा है। एक टारगेट बना ले आदमी, इस आदमी को सही करना है। अब मैंने एक टारगेट बनाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुझे इस पर 1.5 साल हो गया काम करते हुए मस्जिद में, तो पहले तो मुझे देखते गाली निकालता था 3, 4, 5 से, बाद में समझा क्या कि इसको जिक्र की मोहब्बत मैंने पैदा करवा दी, क्योंकि जब जिक्र की मोहब्बत पैदा हो जाती है तो जिक्र करने वाले से मोहब्बत हो जाती है। ये मैं बता देता हूँ, ये कहते हैं अल्लाह वालों जूते उठा रहे हैं, फलां कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि इसलिए नहीं उठा रहे, आदमी पूछते हैं किस नहीं, अल्लाह ताला उनके दिल के अंदर उस शख्स से इतनी मोहब्बत कर दी जाती है कि दिल करता है उसके बस बस पटे चूमता रहा था, उसके कपड़े चूम ले, उसकी चीज चूम ले उसको। मैं अपने हजरत साहब माज पर जाते थे सब इधर दुआ में उनके जहां पर खड़े होते थे ना मुसल्ले पे, मैं उसको चूमता था, ये भी कोई देख रहा नहीं। अब देखें कि मोहब्बत कहां तक इंसान को ले जाती है, क्या मोहब्बत है अल्लाह ताला, ये जो फर्ज़ हम सुनो कि मैं जब आंख खोलता हूं तो उसको पता चल जाता है कि अल्लाह का जिक्र एक ऐसी चीज है कि जिक्र करने वालों से इतनी मोहब्बत होती है तो उससे इतनी मोहब्बत हो जाएगी जिसका जिक्र है। इतना बड़ा तबलीग का ये तो वेपन है, हथियार है, देख रहे हैं जिसको आप, ये अच्छा है, जितना सख्त दिल हो उसको टारगेट बनाए, मजे लें आराम से, मोहब्बत से, दावत से, चाय से, प्यार से, गालियां खा के और उसकी खिदमत करके, करते करते मैं उस आदमी को काफी नजदीक ले आया हूं, माशाल्लाह, अब मेरे इतने करीब आ गया है, अब मैं उसको दावत देने वाला हूं थोड़ी देर में, जो सख्त के खिलाफ था मेरा टारगेट, सख्त के खिलाफ था इस चीज के, उसने सबसे पहले मुझे झाड़ा था। नहीं, मैं भाई मेरा भाई है, इसको पता नहीं, इसकी आंख नहीं खुली अभी, तो कुरान तो ये बात कहता है मैं एकदम उसको जरूर अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज दूंगा, जरूर सिखाऊंगा इसको, तो अल्लाह के फजल से अगर मैं कामयाब हो जाता हूँ, आप भी दुआ फरमाए उसके लिए, तो क्या मेरे आखिरत के लिए कितने बड़ा सवाब हो जाएगा। अब देखें किसी को पता ही नहीं उस आदमी का टारगेट, दुनिया से क्या ताल्लुक उसका, किसी इंसान से क्या ताल्लुक, लेकिन मैं अपनी आखिरत बना रहा हूं, वो ग्रेट चीज दे रहा हूं कि जिस पे सारे आमाल का अनसार है, अल्लाह के जिक्र पे तमाम हमारी इबादत का अनसार किस पे है, डिपेंड किस पे करता है, अल्लाह के जिक्र पे करता है। जिक्र होगा तो इबादत कबूल होगी ना, जिक्र होगा तो उसमें इखलास आएगा ना, जिक्र होगा तो अल्लाह उसको पसंद करेगा, जिक्र होगा तो उन इबादत में शैतान नहीं होगा। तभी तो हजरत ने गारंटी दी थी बड़ी, दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, अल्लाह के रसूल भी राजी हो जाएंगे, दिन नूरानी हो जाएगी, कितनी गारंटी आ रही है मुझे बताया।
तो किसी अल्लाह वाले से जिक्र सीखें, और सीखने के बाद जैसे होता है सुबह शाम आप ऐसे करें, उस पर खतर करें। ये देखें, मैंने एक बहुत बड़ी आयत आपके सामने बताई है। मैं तो इस आयत के पढ़ने के बाद कुरान वहीं बंद कर लिया और सोचने लगा कि सुभान अल्लाह, कि हमें तो भाई पता है भी क्या क्या इनामात होंगे जिक्र में। इतनी दुआएं दी हजरत साहब को मैंने, इतनी दुआएं दी कि जितनी मैं दे सकता था, रो रो के मैं वैसा अल्लाह आपको बस अपने खास रहमतों के साथ नवाजे, आपको आपके खानदान को बच्चों को, कि कितनी बड़ा आपने कर्म फरमा दिया, हम कितना बड़ा कर्म फरमा दिया, कि ना कोई एहसान ना कुछ लेना ना कुछ, कि हमें आपने अल्लाह का जिक्र सिखा दिया और हम जिक्र करने वाले बन गए, और हम अपने अपने हम तो शैतान से हर वक्त लड़ सकते हैं। अब मैं दो तीन चीजें समझ लें इसमें, कि जब भी तो चलेगा, जब भी गुनाहों का गलबा होने लगे या मोटिवेट करना शुरू कर दे, तो वो कौन है समझ जाए, क्या चीज है वो, शैतान काम कर रहे हैं अपने, फौरन समझ जाए कि वो लड़की नहीं है जो आपको बुला रही है, वो गुनाह नहीं है जो आपको बुला रहा है, ये गाने बजाने नहीं है जो आपको बुला रहे हैं, ये रातों में जो बदमाशी हो रही है ये वो नहीं है, ये क्या चीज है। और जिस तरह आप उसको काबू पिया, आप खुद बखुद उससे नफरत हो जाएगी, आप बेकार नजर आएगी चीज। तो उस वक्त फिर हमने क्या करना है, अल्लाह से पनाह मांगनी है। पनाह फिर किस तरह मांगनी है, सब कुरान बताऊं किस तरह मांगनी है, मुझे बोले अल्लाह का जिक्र से, तज़क्करु फ़ज़ाहुम अब्सरुम, जैसे अल्लाह का जिक्र करते हैं समझदार लोग, तकवे वाले बनाए, फरमाए शायद इनमें अकल है, जिनमें अकल आ गई है, फौरन तस्बीह उठाते हैं, कुछ हो नहीं करते, अल्लाह 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 अल्लाह, आधा घंटा तस्बीह चलाएंगे सब गायब, शैतान भी गया, चीजें भी गया, डिप्रेशन भी गायब, तो फला भी गायब, तो फला भी गायब। तो तीन चीजें हैं आज करने की अल्हम्दुलिल्लाह, जो बातें इलाज है। उसके बाद अगली चीज ये कि हर एक को हमने दावत देनी है, सबसे पहले बदमाश से बदमाश भी हो, शरारती भी शरारती हो, दस दस बॉयफ्रेंड, दस गर्लफ्रेंड भी हो जिसके पास, मोहब्बत से जाके जिक्र में तो आओ, जिक्र की दावत दे रहा हूँ, किस काम से दुनिया तो करे, जिक्र तो कर लो बस, चलो किस्सा खत्म, फिर देखें अल्लाह का रंग कैसे चढ़ता है। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक नसीब फरमाए।